हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सरस्वती ग्रुप्स ऑफ कॉलेज में। और मेरा नाम है इंजीनियर एस के सिंह सिकंदर कुमार और मैं कंपटीशन के लिए मैथ पढ़ाता हूँ। और आज आपको मैं बताऊँगा, जैसे पिछले टॉपिक में हमने सिंपल सिंपल क्वेश्चन में हमने भिन्न के जो सही वाले जो भिन्न वाले प्रश्न होते हैं इसमें सही वाला साथ में लगा होता है उसको बनाया था हमने। और आज हम लोग पढ़ेंगे लंगड़ा भिन्न के बारे में। लंगड़ा भिन्न मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट होता है और लंगड़ा भिन्न अगर एक बार समझ जाएंगे तो बहुत जल्दी आराम से बन जाएगा। और लगभग बहुत सारे एग्जामों में जो है ये लंगड़ा भिन्न वाला सवाल पूछता है। तो लंगड़ा भिन्न वाले सवाल के लिए अभी मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, कोशिश कीजिए कि आप इसको सॉल्व करने के लिए एक प्लस एक बटे में एक प्लस एक बटे में एक प्लस एक बटे में दो है ना। अब बताना है आपको इसके बराबर में क्या होगा। तो जिन लोगों ने पहले ये क्वेश्चन बनाया हुआ है वो तो बना लेंगे, लेकिन जो लोग पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे हैं वो किस तरह से बनाएंगे तो मैं बता दूं आपको कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो है बंदर वाला कंसेप्ट याद रखना कि हर का हर जंप करके अंश बन जाते हैं, यानी कि नीचे मतलब भाग का भाग क्या हो जाता है, उल्टा होके गुणा हो जाता है। बस ये चीज़ समझना है आपको। तो इस सवाल में देखिए करेंगे क्या हम, सबसे पहले यहाँ देखिए अगर इसको हम सॉल्व करें तो दो एकम दो ना और प्लस एक, तो दो एकम दो और प्लस एक कितना बन जाएगा, ये तीन बटे दो यही तो बनेगा ना। दो एकम दो, दो प्लस एक तीन, तीन बटे दो बन जाएगा। और ये ध्यान रखना है कि ये हर वाला यानी कि बंदर वाला कंसेप्ट, कौन सा कंसेप्ट, बंदर वाला कंसेप्ट यहां पर अप्लाई कर देना है। तो बंदर वाला कंसेप्ट क्या बोलता है कि हर का हर जो है ना ये जंप करके यहाँ ऊपर आ जाएगा बस, और ये तीन बेचारा अपनी जगह पे रह जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे मतलब इसके नीचे में क्या आया, अगर मैं इस लाइन को अगर मैं आपको दूर समझा के बताऊँ तो एक प्लस दो एकम दो, दो बटे तीन यही तो बना ना, है ना। तो हम अलग अलग सॉल्व नहीं करेंगे, अगर अलग अलग सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम इसी के अंदर में क्वेश्चन के अंदर में ही बनाने की कोशिश करेंगे। तो नीचे में क्या है, इसके यहाँ पे तीन है और ये दो से गुना होकर कितना हो गया, दो एकम दो हो गया है ना। तो अब बताओ जब यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो तीन एकम तीन है ना, तो ऊपर तीन प्लस दो तो कितना बन जाएगा यहाँ पर बराबर में पाँच बटे तीन है ना, क्योंकि तीन एकम तीन को जब एक से गुना करेंगे तो तीन आएगा और प्लस दो एकम दो ऐड करेंगे कितना पाँच आ जाएगा ना, इसलिए हमने क्या लिखा पाँच बटे तीन। और अब हम जैसे कि अभी मैंने जस्ट बताया था आपको कि हमें बंदर वाला कंसेप्ट याद रखना है, ये तीन जंप करके कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर ना, जब ये ऊपर पहुँचेगा तो तीन गुना में एक और ये पाँच यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो अब देखिए अब क्या बन गया, ये पाँच एक प्लस तीन एकम तीन बटे में पाँच, यानी कि एक प्लस तीन बटे में पाँच। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे तो पाँच एकम पाँच हो जाएगा, तो गुना में पाँच ऊपर, तो पाँच एकम पाँच प्लस तीन एकम तीन तो कितना हो जाएगा, ये आठ बटे में पाँच बराबर में आठ बटे में पाँच। इधर जगह नहीं था इसलिए हमने इधर लिख दिया, तो कितना आंसर आ गया आठ बटे में पाँच इसका आंसर हो गया। समझ गया ना अच्छे से। तो ये बस इसमें एक छोटी सी बात ये ध्यान रखनी है, ये बंदर वाला कंसेप्ट कि ये नीचे वाला जंप करके अपने ऊपर वाले के पास आ जाता है, अगर ये आपको याद रहेगा तो आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को बना लेंगे। हो गया क्वेश्चन, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो भी सेम बिल्कुल इसी से मिलता जुलता होगा और हम बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको मिटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन है एक प्लस दो बटे में एक प्लस तीन बटे में एक प्लस चार बटे में पाँच, तो इसको कैसे बनाएंगे है ना। तो इस क्वेश्चन को देखिए बनाने के लिए जैसे कि आपको पता है कि हम इसमें बंदर वाला कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं, एक काम कीजिए कि आप इस वीडियो को रोक दीजिए और रोकने के बाद तब इसको आप अपने से बनाइए और कोशिश कीजिए कि इसे 45 सेकेंड से 30 सेकेंड के अंदर अंदर में बनाने की कोशिश कीजिए। और जिन लोगों का नहीं बनेगा समझिए कि आपका कैलकुलेशन कमज़ोर है, तो कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। चलिए बनाते हैं इसको। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो पाँच एकम पाँच, पाँच प्लस चार नौ बराबर में क्या हो जाएगा, ये नौ बटे में पाँच है ना, ये पाँच जंप करके वहाँ जाएगा और नौ यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा नौ गुना में तीन, नौ तीस सत्ताईस ना,
और 9 एकम 9, तो यहाँ पे गुना में 9 करना पड़ेगा, तो 9 एकम 9 प्लस 27, 2700 कितना होता है 36, और 36 बटे में 9 कितना हो जाएगा, 9 एकम 9 9 चौके 36 है, तो कट ही गया ना, यानी कि इस पूरे की जगह पर क्या आया, सिर्फ 4 ही तो बचा, ये नीचे वाला तो कट गया ना, कहानी ख़त्म इसकी, तो ये जंप करके ऊपर नहीं जा पाएगा, है ना। तब ये जंप करके ऊपर, एक सेकेंड हमने थोड़ा सा मिस कर दिया इसको, यहाँ पर 9 नहीं, यहाँ पे ये 5 जंप करके गया है ना, तो 36 नहीं आएगा, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको सॉल्व ठीक कर लेते हैं हम, यहाँ पर 5 आएगा, ये 5 गया ना जंप करके ऊपर, तो 36 नहीं आएगा, ये थोड़ा गलत हो गया है, पाँच आएगा, तो यहाँ पे क्या है कि 9 एकम 9 बन जाएगा, 9 प्लस 15 24, ये 24 बटे में 9 आएगा यहाँ पर, तो हम जानते हैं कि ये 9 जंप करके कहाँ भागेगा, ऊपर भागेगा ना, अब यहाँ पर 9 आएगा जंप करके ऊपर में, ठीक ना, यहाँ पे 9 आ गया इधर, ठीक, और 24 यहीं रह गया ना, ठीक है, तो ये 9 कुछ नहीं है अभी, अब क्या बनाइए, 24 इसके बटे में क्या है 1, तो 24 एकम 24, और ये 9 दुनिया 18, 24 में 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24 8 32, और 32 10 42 बटे में 24, तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये कट जाएगा, जब कटेगा तो कैसे 21 दूनी 42 और 12 दूनी 24, तो आंसर में क्या आया 21 बटे में 12 आया। हमने इस क्वेश्चन को क्वेश्चन देख के और क्वेश्चन लिखने के बाद हमने क्वेश्चन के अंदर में ही सॉल्व करने की कोशिश की है, तो उससे हमारा आंसर जल्दी आ गया है। ये तो अभी और कटेगा ना, 4 तिया 12 7 तिया 21, तो आंसर कितना आया 7 बटे में 4 आया। देखो आंसर में 42 बटा 24 नहीं देगा आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी किसी के पहाड़े में आते हैं, तो काटने वाटने के बाद जो है हम इसे सबसे छोटे रूप में लिखते हैं, कभी भी जब अनुपात लिखा जाता है तो सबसे छोटे रूप में लिखा जाता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब हम बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, ठीक, तो ऐसे एक बड़ी संख्या लेते हैं, जरा मैं इसे मिटाता हूँ। अब एक क्वेश्चन है अगला, 5 बटे में 8 प्लस 6 बटे में 8 माइनस 10 बटे में 11, आप फटाफट जल्दी से एक काम कीजिए, तो इसको वीडियो को रोक दीजिए, और रोकने के बाद इसे फटाफट स्पीड में बनाइए, और कोशिश कीजिए कि 30 से 45 सेकंड में बन जाए, या चेक कीजिए तो फटाफट। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को रोक के और इसे बनाने की कोशिश की होगी। चलो अब मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। जब 11 को जब यहाँ पे 8 से जब ये गुना होगा, 11 88 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा 78 बटे में 11, तो ये 11 जंप करेगा यहाँ आ जाएगा ना, 6 गुना में 11 बन जाएगा, ये 78 यहीं पर रह जाएगा, ठीक है। तो लेकिन अब ये ध्यान देना है कि 78 तो बहुत बड़ी संख्या है ना, तो 78 को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये 78 किसी के पारे में भी तो आता है, 3 5 65 और 13 6 78, तो 6 कम 6, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 13 6, तो नीचे में क्या आएगा 13 आएगा ना, क्योंकि 13 6 5 65 13 6 78 और 6 कम 6, देखो अपने आप छोटा बन गया ना, दिखने में बड़ा लग रहा था लेकिन ये क्वेश्चन छोटा बन गया था। अब यहाँ पे क्या बचा हमें, बस 13 ही तो बचा, चलो ले लेते हैं। अब ऊपर में क्या बचा, सिर्फ 11 ही तो बचा है। अब जब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 से इधर गुना करना पड़ेगा ना, 8 को 13 से, 13 8 104 में जब 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 104 में 11 जोड़ोगे तो 115, और बट्टे में क्या रहेगा 13 ना, अब ये 13 क्या करेगा, जंप मार के ऊपर जाएगा, ठीक, अरे जंप मार के जब ऊपर जाएगा तब क्या होगा, ठीक है, 5 गुना में 13 बटे में 115 यही तो बनेगा लास्ट में हमारा, है ना, तो इसको 5 तो कटेगा ना, काट के देखते हैं, 5 एकम 5 5 दूनी 10, ठीक है, और एक हासिल बच गया 5 तिया 15, तो यहाँ पे 13 यहाँ पे 23, तो उत्तर में क्या निकल गया हमारे पास, 13 बटे में 23 हो गया।
ठीक है, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन घर से करने के लिए एक देता हूँ, आप इसे खुद से कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ और एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ आपके लिए, और कोशिश कीजिएगा कि उस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी में बनाने के लिए। क्वेश्चन है 1/3 + 1/2 - 1/7, और ये थोड़ा बड़ा है, और इसके नीचे में है 9, ठीक, और प्लस में है 17/22, बराबर में क्या? आपको मैं चार ऑप्शन भी दे देता हूँ इसके लिए। ऑप्शन नंबर ए 12/22, ऑप्शन बी 22/5, ऑप्शन सी 5/22, ऑप्शन डी 1। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। हाँ, हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कुछ समझ में आया हो, कुछ सीखा हो आपने, लग रहा है भिन कैसे बनाते हैं शॉर्टकट तरीके से जल्दी में, तो हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो लास्ट में मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको, इसको बना के देखिए, कोशिश कीजिए कि इसको सॉल्व करने के लिए। बस आज के लिए इतना ही, कल हम कुछ और नया क्वेश्चन ट्राई करेंगे और उसे बनाएंगे। ओके, बाय क्लास।